हे द पोकेमॉन टेनर्स, आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन रेडिकल एड के इस नए एपिसोड में। और गाइस, पोकेमॉन रेडिकल एड के पिछले एपिसोड के अंदर भाई हम लोग ने अपने राइवल को हरा दिया था जिसका नाम है गैरी। और उसको हराने के बाद भाई हम लोग ने टीम रॉकेट के एक बंदे से बैटल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली भाई हम लोग उसको हरा नहीं पा रहे थे। और क्योंकि भाई मैंने कुछ ही पोकेमॉन्स को अपना लेवल अप किया था, भाई मैंने गैरी के लिए अपने पोकेमॉन्स को तैयार किया था। और उसको हराने के बाद भाई मेरे को ऐसा बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि भाई इतना स्ट्रांग निकलेगा भाई टीम रॉकेट का बंदा। इसके लिए भाई मैंने अपने पोकेमॉन्स को उस टाइम पर ट्रेन नहीं किया था, बट भाई जब मैंने बैटल किया उसने भाई मेरे को लगातार हराया, तब मेरे को पता चल गया भाई कि इस गेम में भाई हम लोग मतलब किसी को भी कमज़ोर नहीं समझ सकते, सबके सब भाई ओवर पावर्ड ओपी हैं। सो भाई अभी यहाँ पे देखो मेरी आज की नई टीम, ओके भाई देख लो मेरी नई टीम ग्रेविलन अलोलन है, अलोलन वरना गलारिन जो भी हो अलोलन ही है भाई। और यहाँ पर माचौक और ये कोलासल जो भी इसका नाम है भाई, ओके ये भी मेरे पास है। तो मेरी टीम देख लो और आज भाई मैं उस बंदे को हराऊंगा एकदम आराम से, टेंशन ना लो, एकदम मजे लेके हराएंगे इसको। और गाइस देखो, मैं काफ़ी दिनों से मैं लाइक एम नहीं रख रहा था किसी भी अपनी वीडियोस पे, और बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके बोल भी रहे भाई कि लाइक एम रखो यार, रखते हो तो मज़ा आता है। सो देखो आज के इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखने वाला हूँ, और लाइक एम में ज़्यादा नहीं रखूँगा भाई, बैलेंस में रखूँगा कि आप लोग भी कंप्लीट कर दूँ। सो गाइस आज के इस वीडियो का लाइक एम है 700 लाइक्स कर दो इस वीडियो के ऊपर भाई, मज़ा आ जाएगा। 700 लाइक्स कर दोगे तो 700 लाइक्स कर दो सभी लोग भाई, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग लाइक करो भाई, 700 लाइक्स कुछ भी नहीं है। अगर जितने लोग देख रहे हैं ना सभी लोग लाइक करेंगे भाई, तो 700 लाइक भाई हम लोग भाई एक दिन से भी कम का ही टाइम लगेगा भाई, 4-5 घंटे के अंदर हम लोग कम्प्लीट कर सकते हैं। अगर जितने भी लोग देख रहे हो भाई, अगर सभी के सभी लाइक करते हो तो भाई हम लोग मतलब 2-3 घंटे में भी कर सकते हैं भाई, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर जितने लोग देख रहे हो सबके सब लाइक करोगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई 700 लाइक्स, बट सभी लोग को लाइक करना पड़ेगा। और गाइस आप में से ज़्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, मोर देन 60% लोग वीडियोस को डेली देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, फिर तो भाई मेरे को दिल से बुरा लग रहा है, बट अगर आप लोग सब्सक्राइब करो तो दिल से अच्छा भी लग गया। तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ सभी लोग भाई सब्सक्राइब करके PGH आर्मी को मतलब कि अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लो। और हम लोग को भाई अपने फैमिली में भी भाई बहुत ही जल्द 50,000 मेंबर्स कंप्लीट करने, सो प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, और सभी लोग भाई मेंबर का मतलब फैमिली का हिस्सा बनो, जिससे कि भाई हम लोग अपनी फैमिली को और बड़ा कर पाए। और यहाँ पे भाई बातचीत बहुत हो चुकी है, ज़्यादा मैं आपको पकाऊंगा नहीं, चलो चलते भाई बैटल करने टीम रॉकेट के इस बंदे से जिसने भाई मेरे को हराया था। आज हम लोग लेंगे बदला, और बदला लेने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे बदला ये सब भाई बहुत बुरी बात है, झगड़ा वगड़ा मत करो किसी से, मैं भी निकलता जल्दी तो नहीं करता जब तक मेरी गलती ना हो, मतलब कि जब तक सामने वाले की गलती ना हो तब तक मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, और फालतू में झगड़ा करके कुछ मिलता नहीं। इसके लिए झगड़ा वगड़ा ना करो भाई, इज्जत से रहो, और इज्जत दो, इज्जत लो, इज्जत से रहो, और क्या ही बोलूँ मैं। ओके यहाँ पे भाई इसने मेरे को हराया था तो मैं भी इसको हराऊंगा, और ये भाई विलेंस की टीम का, तो इसको तो भाई एकदम मज़े लेके हराएंगे हम लोग। कल तो भाई बहुत उड़ रहा था ना, आज उड़ के दिखा हवा में, आज तो भाई तेरे पंख काटने के लिए मैंने एक से तगड़े एक पोकेमॉन रखे अपनी टीम में, मतलब एक से तगड़े क्या था भाई, तगड़े से तगड़े पोकेमॉन मैंने रखे। मैं भाई गाई में कुछ भी बोल देता, यहाँ वहाँ मेरे शब्द हो जाते, उसके लिए सॉरी, बट ठीक है चलता है भाई, सब चलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन गेम, आप लोग को पता है ना, मेरे को तो भाई पता है, आप लोग को भी पता ही होगा। ओके अब कौन आ रहा है, ओके ये ना भाई बहुत खतरनाक पोकेमॉन है, एकदम सड़ियल तो नहीं है बट ठीक है, इतना बेकार भी नहीं है। और इसके लिए भाई मैंने रखा है स्पार्क अटैक, अगर लग गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं लगेगा भाई, बबल बीम नहीं लगेगा, लास्ट रिसोर्ट इसका बहुत ही तगड़ा अटैक है। और भाई पिछले एपिसोड के अंदर क्या सीन था पता है मेरे को, भाई पता नहीं था कि लास्ट रिसोर्ट मतलब कौन से टाइप का अटैक है। और भाई पता है क्या सीन होता, वो ना भाई लास्ट रिसोर्ट मेरे किसी भी पोकेमॉन के ऊपर कर रहा था, तो मेरे सभी के सभी पोकेमॉन वन हिट किए हो रहे थे, जिसकी वजह से भाई मैं इससे बार बार हार रहा था। बट भाई मेरे को यहाँ पे गूगल पे सर्च करने के बाद पता चला कि जो लास्ट रिसोर्ट अटैक है ना, वो रॉक टाइप पोकेमॉन के ऊपर भाई इफेक्टिव नहीं, बहुत ही कम डैमेज देता है। सो इसके लिए भाई आज मेरे पास रॉक टाइप पोकेमॉन है, और आज भाई इसका देखो लास्ट रिसोर्ट भाई एकदम कम डैमेज दे रहा है मेरे पोकेमॉन को। सो देखो भाई रिसर्च करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है, और आप लोग को भाई बहुत कुछ पता चलता है रिसर्च करने से। सो सभी लोग भाई रिसर्च किया करो, जिससे कि भाई बैटल में आप लोग को मतलब आसानी होगी जीतने में, आपके पास जितना नॉलेज होगा भाई उतना जल्दी आप लोग भाई मतलब सामने वाले पोकेमॉन को हरा सकते हो। और यहाँ पे एक अटैक और लग गया तो हम लोग जीत जाएंगे। ओके इसका भी अटैक, वो मेरा अटैक ही मिस होता है भाई हर बार। ओके रॉक टॉम, और ये देखो भाई कोमाला जो भी इसका नाम था भाई, अगड़म बगड़म बम्बे बोल, ख़त्म हो चुका है। और इसके लिए भाई ये ड्रैगन टाइप है, तो उसके लिए भाई मैंने एक पोकेमॉन रखा अपने टीम में, बट इसको पॉइजन टाइप अटैक भी आती तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। ओके मेरे को याद नहीं था कि इसको पॉइजन टाइप आता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग ड्रेन किस करते हैं। ओके भाई, ओके भाई इसके रफ स्किन की वजह से मेरे को भी डैमेज पड़ा है भाई, देख रहे हो कितना तगड़ा डैमेज पड़ गया।
ये भाई वैसा ही टाइपिंग का पोको ने ना स्किल ऐसा हुआ। ओके ड्रेन किस करूँ क्या भाई, थोड़ा इसकी एचपी चूसते हैं और अपनी एचपी बढ़ाते हैं। ओके लगभग ये फेंट होने वाला है, रफ स्किन की वजह से भाई इसका डैमेज पड़ता नहीं, फेंट मत होना। ओके भाई इसने मेरे पोकेमॉन को फेंट कर दिया जो कि फायरी टाइप थी, बट कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी इसको हरा सकते हैं। ड्रैगन टाइप है ना, ड्रैगन के ऊपर ड्रैगन सुपर डुपर इफेक्टिव होता है, तो हम लोग ड्रैगन करेंगे। ओके एक और बार लगेगा, एक और बार लगेगा। ओके भाई बच गया भाई, जस्ट बचा है लिटरली भाई, ये एक एचपी पे बचा है, देख रहे हो ना। ओ भाई ये क्या पोकेमॉन अपने आप ही बाहर आ गया, ड्रैग आउट हो गया। चलो हम लोग थंडर पंच मार देते, अरे भाई चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। रॉक ब्लास्ट करूँ, ओके रॉक ब्लास्ट भाई तीन चार बार लगता है, मतलब दो से लेकर पाँच बार तक लगता है। ओके दो ही बार में काम ख़त्म, बहुत सही। पॉइजन कर दिया भाई इसने। ओके ये टोगेडी मारू जो भी इसका नाम है, अगड़म बगड़म, मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ जिससे कि ये भी फेंट हो जाएगा, मैं भी फेंट हो जाऊँ। अरे भाई ये नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, मेरे को लगा तो वो भी फेंट हो जाएगा, इसके लिए मैंने किया बट वो हुआ ही नहीं। वेकअप स्लैप नहीं, सिप्पी स्लैप नहीं, नहीं 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 नहीं, ओ भाई लग गए यार अपनी, मेरे को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए था, मैं ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था भाई साहब, पूरी स्ट्रैटेजी पे पानी फिर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ओके ये भी फेंट होने वाला है। ओके आयरन भाई लिटरली अनबिलीवेबल, इतने तगड़े डैमेज दे रहे इसके अटैक। नहीं भाई, ओ भाई 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 मैं भी फेंट हो गया, ओ माय गॉड लिटरली यार क्या ही बोलूँ मैं, मेरी गलती की वजह से भाई, मेरे को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए था बट मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई भाई अनबिलीवेबल भाई, इतनी बड़ी गलती में से कैसे हो गई, मैं इस बार सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करूँगा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था ऐसा मेरे को लग रहा है, बट ठीक है भाई सब चलता है, एक और बार ट्राई करेंगे भाई। देखो ऐसा ये वाला सीन ना भाई, पिछले एपिसोड में भी एक बार मेरे साथ हुआ था भाई, मैंने उसकी पोकेमॉन को हराया, बट क्या हुआ ना कि उसका जो भाई जो भी उसकी एबिलिटी जो भी उसके पास आइटम हो ना, उसकी वजह से भाई मेरे पोकेमॉन का भी भाई डैमेज पड़ा और भाई दोनों भी एक साथ फेंड हो गए और मेरा मैच ड्रॉ हो गया था। ड्रॉ करके कुछ फ़ायदा नहीं भाई, अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो खुद ही हारोगे, इसके लिए भाई मैच को ड्रॉ मत करो, सीधा जीत ही जाओ। ओके इस बार मैं लैंटन को बुला लूँगा, इसके कुमाला के लिए भाई मेरे पास तगड़ा पोकेमॉन है ना भाई, बैग नहीं यूज़ करना भाई मेरे को, नीचे चल। और मैं यहाँ पे भेजता हूँ कोलासोसल जो भी इसका नाम है भाई, मेरे को नाम नहीं पता इसका, मेरे को प्रोनाउंस करने भी नहीं हो रहा है इसका। देखो पहले नाम है कोल ओसल जो भी इसका नाम है भाई, आंडू पांडू नाम लेते हैं। लास्ट रिसोर्ट से भाई डैमेज उसको बहुत कम पड़ रहा है। ओके मैं स्मैकडाउन भी ट्राई कर लेता भाई, स्मैकडाउन भी अच्छा अटैक है, करने में कोई बुराई नहीं है, डैमेज तो दे रहा है भाई। रॉक टॉम करते हैं जिससे कि इसकी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है। ओके बेरी जूस का फ़ायदा यहाँ पे मिला मेरे को, और ये लगभग फेंट होने वाला, एक अटैक और लगेगा इसको फेंट करने के लिए। ओके फेंट हो गया, ओके भाई फेंट हो गया। कुमाला जो भी इम्पाला जो भी इसका नाम हो, एंशिएंट पावर करता हूँ, टॉक्सिक किया। चलो हम लोग जीत सकते हैं भाई मैच, इस बार तो हम लोग जीत सकते हैं, पिछली बार मेरी गलती की वजह से मैं आ रहा था, इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। ओके भाई क्रिटिकल हिट लग गया बट फिर भी मैं जीता नहीं। ओके ड्रैगन टाइप पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, रॉक ब्लास्ट में करता हूँ, टॉक्सिक नहीं भाई, टॉक्सिक नहीं, रहम कर भाई, टॉक्सिक वगैरह मत कर। पांच बार लग गया, पांच बार चार बार हो गया, ओके पांच बार लगा टोटल, और भाई तगड़ा डैमेज दिया, पांच बार लगा बहुत बढ़िया डैमेज, एक नंबर दिया भाई। इस बार फिर से पांच बार चार बार लग गया तो मज़ा आ जाएगा। ओके भाई तीन बार लगा, खेल ख़त्म, ड्रेडीगन का खेल ख़त्म हो चुका है, बहुत बढ़िया। ये एक ही पोकेमॉन बचा है, इसके ऊपर भी हम लोग वही करेंगे, नहीं फेंट मत होना। ओके फेंट नहीं हुआ, बेरी जूस ने कमाल किया भाई, फ्लिंच हो गया, गलत बात भाई, इस बार नहीं, इस बार बच जा, नहीं बचा भाई इस बार मेरे पास भाई टोटल देख रहे हो सभी के सभी लगभग बचे हुए, सो मैं यहाँ पे जीत सकता हूँ अभी। वेकअप स्लैप कर भाई, आयरन हेड नहीं, वन हेड क्यों मत होना, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, फ्लिंच हो जाता है भाई, क्यों होता है भाई फ्लिंच। ओके भाई इतना, ओके चलो इस बार भाई तगड़ा डैमेज को पड़ा है, एक ही अटैक में हम लोग इसको हरा देंगे भाई। स्पार्क अटैक लगा तो ये चली जाएगा, मेरे को पता है। ओके भाई इस बार देख रहे हो कितने आराम से हम लोग जीत गए भाई, पिछली बार और इस बार में कितना मतलब जमीन आसमान का फ़र्क है, एकदम आराम से हम लोग जीत गए भाई, इसको बोलते भाई स्ट्रैटेजी की पावर। ओके हीलिंग वगैरह सब कंप्लीट करा के मैं वापस चलता हूँ भाई वहाँ पे, वरना फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई, हम लोग को बिल से मिलने चलना है आज, और अगर हम लोग बिल से नहीं मिलेंगे तो भाई हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये बहुत ही गलत बात है, वैसे अच्छी बात भी है बट बिल से मिलना ही पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते क्या सीन हो रहा है, TM45 कौन सा ड्रेन किस मिला ना, मेरे को चेक करने दो, आई वांट टू चेक, चेक मी। ओके चेक करते हैं, TM45 ये रहा, ड्रेन किस मिला भाई, ड्रेन किस फेरी टाइप अटैक, बहुत सही। यहाँ पे सर्फ करने के बाद एक बंदा दिख रहा है, बट अभी सर्फ मेरे पास है नहीं तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। वॉल्ट बीट यहाँ पे पोके होने, मेरे को पता नहीं इसकी टाइपिंग वगैरह क्या है, देखने डेक्सनो। ओके यहाँ पे पता है फारफिश भी हम लोग को मिलेगा,
ये देखो भाई वॉल्ट बीट हो गया, ये कौन है कैरा ब्लास्ट जो भी हो भाई अच्छा है, ये कौन है पेटलिल पेटिलिल और स्नबल भी यहाँ पे भाई, इन सबको मैं पकड़ूंगा बट ऑफ वीडियो, अभी तो फिलहाल तो नहीं पकड़ूंगा भाई, फिलहाल हमको टाइम और बात नहीं करना, हम लोग को बिल के पास जाना है। और ये क्या भाई डैन यहाँ पे भी है, ओके देखते कौन सा ओके ने भाई, लो टैड है इसके अंदर भाई, लो टैड को पकड़ने के लिए हम लोग मेक को अपना पार्टनर बनाते हैं। और लो टैड के ऊपर भाई इलेक्ट्रिक टाइप अटैक इफेक्टिव होंगे, ग्रास टाइप तो उसके ऊपर नहीं होंगे भाई, इलेक्ट्रिक ही रखते हैं। ओके यहाँ पे अपनी टीम सेट है भाई, मेरी टीम में मेरे को गड़बड़ी लग रही है फिलहाल, मेरे को देखने में लग रहा है कि मैं किससे भी हार जाऊँगा। लो टैड का लेवल 24 ही है, बहुत ही कम है बट ठीक है चलता है यार, इतना भी बहुत ज़्यादा है भाई, हम लोग लेवल अप कर देंगे पकड़ने के बाद। ओके एक मिनट रुको, पहले मेरे को नहीं मैक्स गार्ड वार्ड नहीं करना भाई, मेरे को इलेक्ट्रिक टाइप अटैक करना है, थंडर फैंग मैक्स लाइटनिंग चलेगा। ओके भाई लग से तैयार है, मैक्स लाइटनिंग कर दिया, इसके पास एक कम्बस्कन, मेरे के पास भाई कम्बस्कन, पता नहीं इसने इसको इवॉल्व क्यों नहीं किया, वैसे लेवल काफ़ी कम है। और इसका भाई वो क्या बोलते हैं, ओके ये टूट गया है भाई, डिसअपियर्ड क्या बोलते हैं भाई, इसका शील्ड बोल सकते एक टाइम पर हम लोग मिस्ड करा इसने भाई, स्पीड बूस्ट हो गई। ओके स्पीड बूस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं होता, ओके ये फेंट हो चुका है, वी हैव द ऑप्शन टू कैच, ओके हम लोग कैच कर दे, पोके वॉल के अंदर आया तो आया वरना फिर तो कोई चांस ही नहीं है। चलो भाई लूटाड को हम लोग ने पकड़ लिया, निकनेम तो मैं इसको कुछ नहीं दूंगा भाई, मेरे को निकनेम नहीं देना है, मेरे दिमाग में खिचड़ी नहीं पकड़ी भाई, स्टारडस एथर फोर लिपा बेरीज, ओके बस बहुत ही कम चीज़ मिले भाई, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, जो मिला वही सही है, जो मिलता है वही बहुत है। यहाँ पे एक एक बंदे से भाई बच बच के जाना पड़ेगा, आइटम्स तो नहीं छोड़ूंगा मैं, लीफ स्टोन मिला भाई बहुत बढ़िया। ओके यहाँ पे एक ना एक बंदे से तो बैटल करना ही पड़ेगा मेरे को, वैसे मेरे को ऐसा लगता नहीं है बट ठीक है ट्राई करते, मैं बच सकता हूँ भाई, वी हैव द पावर, वी डोंट हैव द पावर, मेरे को भाई एक ना एक से तो बैटल करना ही पड़ता। टिम्बर है भाई इसके पास, ये लोग को तो मैं भाई भाई फटाफट हरा दूंगा, क्योंकि ये लोग की पोकेमॉन भाई लेवल 18 के, जो कि कुछ काम के नहीं है उतने, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जियोडूड भाई ये तो मेरे पास भी है, इसका एवोल्यूशन है भाई मेरे पास, ओके चलो कोई बात नहीं, हम लोग ने इसको हरा दिया, अब इससे बचना है भाई मेरे को। ओके इससे मैं बच चुका हूँ, इससे मेरे को नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगा, तो इससे बैटल कर लो सीधा सीधा, जिससे लगता है कि नहीं बच पाओगे इससे सीधा सीधा बैटल कर लो, दिक्कत नहीं, टाइम भी बचेगा और यहाँ पे एनर्जी भी बचेगी, मतलब कि फालतू के लिए नहीं होगा भाई, सीधा सीधा बैटल कर लो मज़ा आ जाएगा। ओके इस बंदी से मैं बच सकता हूँ क्या, लगता नहीं, नहीं बच पाऊँगा, कर ही लेते भाई बैटल, बचे या ना बचे क्या फ़र्क पड़ता है। नीडोरिनो लेवल 18 का, इसको हराने के लिए क्या काम करेगा, सिग्नल बीम, वैसे ही पॉइजन टाइप पे, ओके काफ़ी तगड़ा डैमेज पड़ा है, पॉइजन बीम ही करते हैं, नहीं सिग्नल बीम ही हम लोग करते हैं, सिग्नल बीम बहुत ही तगड़ा डैमेज दे रहा है और उसने भाई इसको फेंट कर दिया। और एक उन्हें चेरी ब्यू जो भी है भाई, चर्बी इसका नाम है, चेरू बी, ओके चेरू बी भाई, क्यूट पोकेमॉन दिख रही थी मेरे को, बट ठीक है ये अंकल से भी बैटल करना ही पड़ेगा यार, मैं ऊपर से जाऊँ क्या, ओके अंकल से भी बैटल करना ही पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा भाई अंकल से भी, लेट्स गो। फैन पी इनके पास वाटर टाइप सुपर इफेक्टिव होगा, स्कैल अटैक भाई अपना कमाल दिखाएगा, आइस साइड इतना कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हो गए, क्योंकि जिम लीडर मिस्टी मेरा राइवल और टीम रॉकेट का बंदा भाई, सभी के पोकेमॉन्स भाई एकदम हट्टे कट्टे तगड़े लेवल के थे, और उनको हराने के लिए भाई मेरे को इतना लेवल करना ही पड़ा अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है सब चलता है भाई सब चलता है, इतना लेवल कुछ इतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब हारने लगती है तो भाई लेवल मैटर करता ही नहीं है, कोई भी पोकेमॉन आके धोखे चले जाता है भाई मेरे पोकेमॉन्स को, और मेरे पोकेमॉन्स भाई खड़े खड़े मार खा के आ जाते पोकेबॉल के अंदर, और कुछ नहीं। यहाँ पे भाई इस बंदे से भाई मेरे को नीचे से बैटल करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं उसका आइटम ले पाऊँगा जो कि इसने छुपा के रखा अपने पीछे। फारफेच भाई फाइटिंग टाइप है इसके अंदर, चलो ये भी गया एक डैग में, सब यहाँ पे 1 हिट के वो हो रहे भाई, क्योंकि इनका लेवल कम है इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया 1 हिट के वो होने के लिए, आगे कोई तगड़ा बंदा ना हो भाई जिसके पोकेमॉन्स तगड़े हो। ओके मैंने गलत ही जगह पे भाई से बैटल किया, मैं आइटम लेने के लिए मेरे को कट की ज़रूरत पड़ेगी, बट फिलहाल तो मेरे पास नहीं है भाई, इसको इससे बच के निकलते, ओके बच के निकल गए हम लोग, इससे बच पाएंगे, ओके नहीं बच पाएंगे यार क्या बात है, इस मेरे को इसके ऊपर डाउट आ रहा है, नहीं इसके ऊपर डाउट करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को लगा था कि इसके पास भाई तगड़े लेवल के पोकेमॉन होंगे और यहाँ पे इससे भाई बहुत ख़तरनाक बैटल होगा, बट ऐसा सीन नहीं हुआ, क्योंकि भाई हर एक एपिसोड के अंदर कोई ना कोई एकदम तगड़ा बंदा मिल ही जाता है जो कि हम लोग को भाई बार बार हराता है, और उसको हराने के लिए मेरे को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं हुआ। और यहाँ पे भाई गोल्डन मतलब साइनी स्लोपोक साइनी था, ये काफ़ी तगड़ा था भाई, तगड़ा नहीं था वैसे, इतना भी कुछ खास नहीं था, ये कौन है मेरे को पता नहीं, बट मेरे को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन है ये। यहाँ पे मेरे को एक आइटम दिखा था, इसके लिए मैं भाई दौड़ा दौड़ा आ रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा आइटम TM17 फ्लेम चार्ज, ओके
चलो गाइस चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखा था, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने गेम को सेव कर लेता हूँ क्योंकि भाई पता नहीं कौन है। पहले मैं बिल से मिलता भाई, जो भी हो पहले बिल से मिलना है। बिल भैया तेरी मदद करने मेरे को पता है। ओके मेरे को पता भाई तू यहाँ वहाँ करेगा पीसी वगैरह, यहाँ बकवास करते रहता भाई, तू भी ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहते फिर अटक जाता भाई उसके अंदर। चल भाई निकल गया, बहुत बहुत हो गया भाई तेरा, बहुत हो गया। चल मेरे को पास वगैरह दे दे अभी। ओके SS टिकट इतने मेरे को दे दिया है और अभी हम लोग भाई जा सकते हैं वर्मिलियन सिटी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैंने तेरी हेल्प की, तूने मेरी हेल्प की। डेन का भी चेकआउट कर लेते हैं, अब आए तो कर ही लेते भाई। ओके कौन सा पोकेन मेरे को पता नहीं, बट मैं मेरे को ही अपना पार्टनर चुनूंगा और इसको देख के मेरे को लगता है कि मेरे को फायर की ज़रूरत पड़ेगी भाई। एक मिनट, मैंने टाइपिंग देखा नहीं, एक मिनट मेरे को देखने दो इसकी टाइपिंग क्या है। इसकी टाइपिंग है वाटर, लिटरली वाटर। कम्बस्कन फायर टाइप है। बूढ़ो अंकल लोग के पास तो इलेक्ट्रा बस है, इसको बुलाते भाई, तगड़ा दिखा है बंदा। वाटर के ऊपर इलेक्ट्रिक सुपर इफेक्टिव फ्लुइडिटी को हम लोग नहीं, वाटर वर्सेस वाटर ही करते क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप भी है। और फायरी भी रख ही लेते भाई, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे भी, बट ठीक है रख ही लेते। ओके चलो आ जाओ, कौन आ रहा है भाई, क्लॉन्चर है इसका नाम, क्लॉन्चर। लॉन्चर रख दे भाई, क्लॉन्चर क्यों रखा, लॉन्चर रखते तो और बेटर रहता ना, होप सो कि और बेटर रहता, बट ठीक है आप लोग क्या सोचते हो। चलो भाई इसको हम लोग मारेंगे ड्रैगन थंडर फैंग, ड्रैगन फैंग कहाँ से याद आ गया मेरे को, थंडर फैंग मारेंगे डायनामैक्स करके। और ये बन चुका है मैक्स लाइटनिंग और डैमेज काफ़ी तगड़ा दिया है, सुपर इफेक्टिव अटैक था भाई, बहुत सही। इसका डिफेंस बन चुका है भाई, मैक्स स्ट्राइक कर रहा है। ओके इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, टेडियोसा भी फॉर्म में चल रहा है भाई, वाह अटैक मार रहा है भाई। और अब देखते कौन आएगा भाई, मैक्स लाइटनिंग एक और बार फेंट हो जाएगा इस बार तो, हो गया ना। ओके हो गया, क्लॉन्चर भी हम लोग पकड़ लेते भाई, पकड़ने में कोई बुराई नहीं है, पकड़ के रखो, कभी ना कभी तो पोकेमॉन काम आ ही जाते हैं भाई, पकड़ के रखो सिर्फ पीसी के अंदर। ओके यहाँ पे चलो हम लोग ने एक और क्या क्विक बॉल्स वगैरह वगैरह, स्टार्डस 22 स्विफ्ट विंग्स, ओके दो एथर्स, दो टेंगा बेरीज। ओके ओके गाइस यहाँ पे मैं अपने गेम को एक बार सेव कर लेता हूँ, उसके बाद इस बंदे से देखते क्या सीन होता है, मेरे को लगता है बैटल करेगा, लेट्स होप बेटर कि ये बैटल ना करें। गाइस यहाँ पे मैंने अपने गेम को कर लिया सेव और अभी इस बंदे से बाई बात करके देखते क्या सीन होता है, लेट्स सी। गोटा लव सीइंग पब्लिक डिस्प्लेस ऑफ अफेक्शन व्हाइल आई एम सिंगल ड्यूरिंग क्वारंटाइन, ओ डिडंट सी यू देयर, आई होप यू कैन डिसरिग्रेट व्हाट आई जस्ट सेड, द नेम्स बक्सी, ओ यू हैव मेट माय कॉलेजी फॉकनर टू, या द जोटो जिम लीडर्स डिसाइडेड टू पे कांटो ए विजिट, हैज देयर हैव बीन टॉक्स ऑफ अ लॉट ऑफ न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी बीइंग रिसर्च्ड हियर, वेल सिंस यू आर हियर आई एम assuming यू want a battle। ओके भाई तो बक्सी को बैटल करने में बस ऐसे कोई तगड़े पोकेमॉन तो है नहीं फिलहाल। डोंट कंसिडर मी वीक जस्ट बिकॉज आई यूज बग टाइप्स, आई विल शो यू हाउ फियरसम दे कैन बी। ओके भाई तो इसको कमजोर समझने की गलती मेरे को नहीं करनी है क्योंकि ये बग टाइप पोकेमॉन यूज़ करता है, बट मेरे पास ऐसे फायर टाइप पोकेमॉन वगैरह वगैरह मैंने अपनी टीम में रखे नहीं जो कि इसको हरा पाए, बट ठीक है मैं जो मेरे पास है उसमें ट्राई करता हूँ भाई। बग के ऊपर ना फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन इफेक्टिव होते हैं और ये बन से फेंट हो चुका है भाई, बहुत बढ़िया। चलो इसके पहले पोकेमॉन को मैंने फेंट कर दिया, हेराक्रॉस बहुत ही तगड़ा है भाई, लिटरली बहुत तगड़ा है। बुलेट सीड भाई ओके डैमेज बहुत देगा, ये बहुत डैमेज देगा भाई, तीन बार लग चुका है और ये चौथी बार है भाई, पांचवी बार भी लगा, लगभग फेंट कर ही दिया भाई इसने। ओके वाटर टाइप अटैक भी भाई बहुत अच्छे डैमेज दे रहे हैं, सब लोग यही करते हैं स्कैल्ड। ओके बग बाइट किया इसने, ख़त्म भाई तू तो। मॉक्सी ओके मैक्सी एक्सी जो भी हो, मैं किसको भेजूँ अभी, बग के ऊपर फाइटिंग के ऊपर पता नहीं बग इफेक्टिव होता है कि बग फाइटिंग के ऊपर इफेक्टिव होता है कि फाइटिंग बग के ऊपर, मेरे ख्याल से बग टाइप फाइटिंग के ऊपर इफेक्टिव होता है। इसके ऊपर तो फेरी टाइप भी सुपर इफेक्टिव है, सो हम लोग ड्रेन किस करते हैं ना भाई, ड्रेन किस अच्छा अटैक है, मतलब कि थोड़ी HP भी चुरा लेंगे इसकी। और क्या, नहीं नहीं भाई बस बहुत हो गया, नहीं नहीं भाई बस हो गया यार, तीन बार लगा भाई, लिटरली तीन बार भाई, ये फेंट नहीं हुआ, व्हाट भाई कैसे यार, इतना कितना पावरफुल है तू भाई, बस कर भाई, इसका ये बुलेट सीड बहुत ही तगड़ा है भाई, तीन चार बार लिटरली लगता है और हमको हरा देता है। यहाँ पे मेरे पास एक फायर टाइप पोकेमॉन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, बट भाई लगता नहीं कि हरा पाऊँगा क्योंकि ये फायर प्लस रॉक है, तो यहाँ पे इंसिनरेट मेरे को करने दो, ब्रिक ब्रेक ये लो, कहानी ख़त्म भाई। भाई बंदे के अंदर दिमाग है मेरे को पता है, और यहाँ पे फाइटिंग वर्सेस बग कराऊंगा तो भी हार मेरी होगी क्योंकि भाई ये लोग के पास क्या बोलते हैं एडवांटेज है भाई, बग इफेक्टिव होता है ना फाइटिंग के ऊपर भाई, एक ही टाइम में फेंट कर दिया। ओके इसका कुछ तो हो रहा है भाई, एबिलिटी की वजह से शायद से कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से, कुछ तो यहाँ पे सीन हो रहा है इसका, मेरे को पता नहीं बट हो रहा है। थंडर फैंग ओके बग बाइट 18 क्यू
सुपर इफेक्टिव क्या हो रहा है भाई इसका देखने, तो मेरे को एबिलिटी कुछ तो इसका चल रहा है ना। ओके मॉक्सी इसका एबिलिटी है द अपोजिंग एरे क्रॉस अटैक रोज। ओके भाई इसका अटैक बढ़ रहा है भाई, अटैक बढ़ गया इसका। ओके यही इसकी एबिलिटी है साथ से। और ग्रैवलर भी अब एक अटैक में फेंट हो जाएगा भाई। ओके ये भी फेंटेड एक अटैक में। चलो यहाँ पे हो गया अपना पोपट, हम लोग हार चुके भाई। वैसे मैं तैयार नहीं था, मेरे पोकेमोन्स भी तैयार नहीं थे और मैंने भाई अपनी टीम भी अच्छे से बनाई नहीं थी, इसके लिए भाई मैं हार गया था। बग टाइप पोकेमोन्स के लिए भाई फायर टाइप फ्लाइंग टाइप पोकेमोन्स चाहिए होते हैं और वो कि मेरे पास अभी भाई है नहीं फिलहाल, है बट मेरे उनका मैंने उनका लेवल अप नहीं किया है। ओके भाई बक्सी को हराने के लिए ग्रास टाइप तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे क्योंकि ग्रास इज सुपर वीक अगेंस्ट बग। ओके ग्राउंड टाइप भी काम नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, नहीं करेंगे उसको। इसको फाइटिंग टाइप भी आते हैं अटैक इसके लिए। लिटलियो भी एक अच्छा फायर टाइप पोकेमोन हो सकता है, फायर प्लस नॉर्मल। इसका लेवल अप करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, इसको भी ट्राई करेंगे। और यहाँ पे ओके अपनी पोनीटा का भी लेवल कम है भाई अपने। भाई देखो अभी हम लोग बैटल करने जाएंगे तो सिर्फ हारेंगे और कुछ नहीं होगा भाई, हारने का कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ बैटल ना ही करो अभी। और यहाँ पे भाई स्लगमा भी अपने पास फायर टाइप है भाई, अपने पास फायर टाइप और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन की कमी नहीं है बट उनका लेवल कम है। सो अगर हम लोग बैटल करने जाते भी है तो हम लोग को भाई हार का सामना करना पड़ेगा। बट एक और बार मैं ट्राई करने की सोच रहा हूँ, इस बार कुछ नए इम्प्रूव पोकेमोन को लेके जाओ अपने साथ, जैसे कि ये सब लोग जो मैं अपनी टीम में भर रहा हूँ, बट इनका लेवल कम है तो मैं जीतने की कुछ उम्मीद नहीं दे सकता। बट मैं एक होप कर सकता हूँ कि मैं जीत जाऊँ, एक होप मैं कर सकता हूँ कि मैं जीतूँ भाई। और उसकी भी वैसे भी मेरे को उसके सभी पोकेमोन्स पता नहीं चले, तो भाई मैं भी कुछ भी नहीं करने वाला। छोड़ो यार एपिसोड को फालतू में लंबा करके कोई मतलब नहीं निकलता। और अगर मैं हार ही भाई बार बार जाके उससे मैं हारूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा भाई, क्योंकि हारना भाई मतलब टाइम की बर्बादी और कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के आऊँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, उसको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही हराऊँ, जिसमें कि और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो वर्मिलियन सिटी के अंदर मैं जा सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको हराने के बाद ही जाऊँ भाई, क्योंकि अगर उसको मैं हराने के बाद जाऊँगा तो मज़ा आएगा, या फिर भाई मैं उसको बाद में हराऊँ, आप ही लोग बताओ। जो भी आप लोग बोलोगे वही करूँगा, बट आज का एपिसोड अपना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करूँगा। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप लोग को बक्सी के साथ बैटल देखनी है कि नहीं। होप्स हो कि आप लोग को देखनी होगी, बट कमेंट करके मेरे को बताओ कि बक्सी के साथ बैटल देखना है कि नहीं आप लोग को। और गाइस बस आज के लिए इतना, आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। होप्स हो कि आप लोग भाई सभी लोग लाइक कर दिए होगे अभी तक तो भाई वीडियो को, क्योंकि हम लोग भाई लाइक एम कम्प्लीट करना है 700 लाइक से भाई। आज के इस वीडियो का एम 700 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। मेरे ख्याल से आप सभी लोग ने अब तक तो कंप्लीट कर ही दिया होगा और आप सभी लोग ने भाई लाइक भी कर दिया होगा, बट अगर नहीं किया तो कर दो भाई सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, अगर आपका फ्रेंड एक पोकेमोन लवर है तो ही शेयर करना, वरना भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।